देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सुबह 10:30 बजे के बाद परेड की शुरुआत होनी है। लोगों को अलग अलग राज्यों की झांकियां देखने का मौका मिलेगा। गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ पर परेड के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस उत्सव के मद्देनजर दिल्ली में 8,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। इसके अलावा हवाई खतरे से निपटने की भी तैयारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। परेड में हिस्सा लेने के लिए देश भर से लोग आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख रास्तों पर से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। बाजार, मॉल्स और पर्यटन स्थल पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अधिकारियों ने सिक्योरिटी को लेकर भी जानकारी दी है। खबरों की माने तो गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए स्पेशल सीपी सिक्योरिटी दीपनेर पाठक ने कहा कि परेड समारोह स्थल यानी कर्तव्य पथ को जोन में बांटा गया है। आम जनता, मेहमान, वीआईपी, विशेष मेहमान, इन सभी को सुविधा दी जानी है और सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो सभी जानकारियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल सीपी सिक्योरिटी ने कहा कि वीवीआईपी से हमारा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री से है। तमाम वीआईपी और संवैधानिक प्रमुख आने वाले हैं। एक चुनौती की तरह होता है। गणतंत्र दिवस के दौरान हवाई खतरों से निपटने का भी प्लान बताया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि हवाई खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिसमें हैंड ग्लाइडर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, एयर मॉडल, ड्रोन और कम दूरी के हवाई वाहन शामिल हैं। इसके अलावा किसी भी उपद्रव को रोकने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। टीम की बार बार रिहर्सल ट्रेनिंग की गई है। परेड के लिए लगभग 8,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्विलांस की मदद से सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कम्युनिकेशन के कई तरीके स्थापित किए गए हैं ताकि अगर एक तरीका फेल भी हो जाए तो दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके।